चैप्टर को हम टाइप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इसमें हर एक टाइप के हिसाब से ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आज हम स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई बोर्ड सेलिना पब्लिशर चैप्टर 23 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी स्टैटिकल डेटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी स्टैटिकल डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय चार्ट्स या डायग्राम। हम चार्ट्स या डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने तो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ हमने डायग्राम्स को जो स्टडी करना है। इसमें हम क्या तीन टाइप के डायग्राम्स को स्टडी करेंगे बेसिकली। सबसे पहला है हिस्टोग्राम, फिर है उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और उसके बाद है ऑगीव, या जिसको हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो हमें तीन मेनली तीन डायग्राम्स की स्टडी करनी है, उसको चलिए हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसमें ये सबसे आसान चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें मैं टाइप्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम इज अ टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हिस्टोग्राम है वो टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। इसमें होता है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, लेकिन सबका अगर हम वेट रिकॉग्नाइज करना चाहे तो हर किसी का वेट जो है 40 से अबव होगा। अगर क्लास 10th की बात करते हैं तो वो 40 से अबव होगा, और जब 40 केजी से अबव होगा तो क्या होगा कि हमारे पास 0 से 40 तक का कोई डेटा नहीं होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब फ्रीक्वेंसी सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो जो भी टर्म्स रिपीटेड होती है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 40 केजी से लेकर 50 केजी तक के हमारे पास 10 स्टूडेंट है, तो जो हमारे पास 10 जो रीडिंग आई है वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको क्या करते हैं एज अ ग्राफ में, एक एग्जाम्पल के लिए इसको पहले बाद में पूरा डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन अब अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, 0 से 8 में हमारे पास कोई भी डेटा है, मान लो 0 से 8 में हमारे पास क्या है, 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 7 फ्रीक्वेंसी है। कितनी है, 0 से 8 में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी, इसकी 6 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब 0 से 8 तक का डेटा हमारे पास 6 है, इसलिए हमने इसका क्या लिया है, 6 फ्रीक्वेंसी लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 टू 8 में 6 फ्रीक्वेंसी हो गया, 8 टू 16 में हमारे पास 9 फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा क्या, हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अलग अलग नंबर्स की अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी से हमने डेटा है, उसी हिसाब से हम हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रेक्टेंगल सारा ड्रॉन विद द बेसिस प्रोपोर्शनल टू क्लास इंटरवल। जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल क्या बता रहे हैं, ये बेस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, क्लास इंटरवल के प्रोपोर्शनल होंगे। और दूसरा हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेस्पेक्टिव क्लासेस। तो यहाँ पर दूसरा है हाइट, इसकी तो जो इसकी रेक्टेंगल की जो हाइट है वो रेस्पेक्टिव क्लासेस को बता रहा है, मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हाइट के हिसाब से एडजस्ट हुई है, और जो क्लास इंटरवल है ये हमारे पास रेक्टेंगल का बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करने के थ्री स्टेप्स है। सबसे पहला क्या है, हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं, ग्रुप्ड डेटा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पहली स्टेप क्या होती है कि कन्वर्ट डेटा इंक्लूसिव फॉर्म टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। हम पहले डेटा को किसमें, इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारे पास ये डेटा एक इंक्लूसिव फॉर्म में होगा तो हम इसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद टेकिंग सुटेबल स्केल्स, हम इसमें क्या एक सुटेबल स्केल को ले लेंगे। सुटेबल स्केल कैसे होगा, मार्क क्लास इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस। अपन ने कार्टेशियन प्लेन, हमने कार्टेशियन प्लेन को पढ़ा हुआ है। कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या होता है, जो ये है हमारे पास वाई और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था, उसी के हिसाब से हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से मार्क क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को हम क्या है एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज इसमें नोट करने वाली है, वो क्या है, स्केल्स ऑफ बोथ एक्सिस में भी डिफरेंट।
जो इसके स्केल्स होंगे दोनों एक्सेस के वो डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर 0 टू 8 का इंटरवल है, 8 से 16 का इंटरवल है, लेकिन इसमें 0 टू 2 का इंटरवल है, 2 से 4 का, मतलब दोनों में डिफरेंसेस अलग अलग है, स्केल्स अलग अलग हो सकती है, क्लियर। इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज हाइट। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लास इंटरवल को हम बेस ले लेना है और फ्रीक्वेंसी को हमें हाइट में। अब देखिए इसके एक एग्जांपल समझते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या है इसका, कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। हमें ये जो डेटा दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ये डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 टू 8, 8 से 16 ये क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 9 12 10 और 5। अब इसको देखिए समझते हैं कैसे, यहां पर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यहां से डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मार्क 8 16 24 32 40 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये पूरा जो है हम एक्स एक्सिस में मेंशन कर देंगे, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 0 टू 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और ये 48। तो ये एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो डेटा था हमारे पास वो हमको उसको रिप्रेजेंट कर देंगे जो है क्लास इंटरवल। दूसरा हमारे पास क्या है, एट इक्वल डिस्टेंस, सभी की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सभी की डिस्टेंसेस क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, 2 4 6 8 10 12 जो हमारे पास है, इस काम में y एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस में ले लिया, क्यों लिया, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए फ्रीक्वेंसी का, हमारे पास क्या है डेटा लगभग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, मतलब हम ऐसा स्केल लेंगे कि जो 12 या 2 या थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाए जिसमें से सारा एक्स फ्रीक्वेंसी कवर हो जाए। हम कम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में यानी स्मॉल ग्राफ में भी ज्यादा डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इनके बीच में इंटरवल रखेंगे तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। इस टाइप से हमने क्या किया, इसका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया जो इक्वल डिस्टेंस में होगा, और इस हिसाब से हमने क्या किया इसका डेटा रिप्रेजेंट। अब कैसे किया देखिए, 0 से 8 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, तो 0 से 8 में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, 6। तो हम क्या करेंगे यहां पर 6 पे मार्क कर देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल बना देंगे, ये 0 से 8 का रेक्टेंगल। अब इसी से लगा हुआ हम दूसरा हमारे पास कितना है, 8 से 16 में 9 है, तो हम इसी को आगे बढ़ा देंगे कहां तक, 9 तक। अब ये 9 जो है वो 8 और 9 के लगभग बीच में एप्रोक्सीमेट आएगा, वैसे ग्राफ पेपर में इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप ग्राफ पेपर में शो करेंगे तो एक्यूरेटली आएगा। तो यहां पर हमें 9 जो है वो क्या होगा, 10 और 8 के, 9 जो है 10 और 8 के बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या 12 है, तो 12 क्या होगा, 16 से 24 होगा, और ये 16 से 24 रहेगा, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 12। फिर उसके बाद 24 से 32 में कितना है, 10 है, तो 24 से 32 में हमने 10 पे मार्क कर दिया। उसके बाद हमारे पास 32 से 40 में कितना है, 5 है, तो 5 पे मार्क कर दिया। अब से हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, एक नॉर्मल डेटा था हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके हिसाब से हम टाइप्स के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इस चैप्टर को हम टाइप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और इसमें हर एक टाइप के हिसाब से ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मार्क करते जाएंगे कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 1 देखते हैं। इसमें टाइप नंबर 1 में क्या है, हिस्टोग्राम फॉर कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा। हिस्टोग्राम किसके लिए बनाना है हमें, कंटीन्यूअस जो ग्रुप्ड डेटा होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, इसके पहले जो क्वेश्चन में देखा था हमने वो नॉर्मल क्वेश्चन था जहां पर 0 से रीडिंग स्टार्ट हो रही थी और कुछ पॉइंट तक जा रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर जो रीडिंग है, पॉकेट मनी इन रुपीस लिखा हुआ है, 150 से लेकर 200, 200 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400। यहाँ पर क्या है, पॉकेट मनी इन रुपीस में, यहाँ पर 150 से 200 में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। यहाँ पर डेटा देखिए 150 से स्टार्ट हुआ है जो 200 तक जा रहा है, यानी 0 से लेकर 150 तक कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ पर इस टाइप के डेटा को क्या करते हैं, ऐसे डेटा में क्या है कि 0 से 150 तक कोई भी डेटा नहीं है। अब देखिए 200 से 250 तक की फ्रीक्वेंसी 5 है, 250 से 300 तक की फ्रीक्वेंसी 7 है, 300 से 350 तक की फ्रीक्वेंसी 4 है, और 350 से लेकर 400 तक की फ्रीक्वेंसी 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से 150 तक तो कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 150 से 200, बिफोर 150 नो डेटा इज अवेलेबल।
तो हम क्या लिखेंगे, देन वी विल ड्रॉ द जिगजैग कर्व। यहां पर हम जिगजैग कर्व ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसको कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। यहां पर देखिए 150 से 200 हमारे पास क्या है, यहां पर ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पर ये क्या है हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। अब देखो y एक्सिस में हमने डेटा क्या लिख दिया, एक इंटरवल। हम अपने अकॉर्डिंग इंटरवल को चूज कर सकते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये वाली हमारी क्या है, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, जो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये हम इंटरवल कहां से लिए, देखिए हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, इसके अकॉर्डिंग हम 10 तक ले ले रहे हैं, और इनके बीच में इंटरवल 2 2 का रख रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा डेटा हमारा इनबिल्ट हो जाएगा। उसके हिसाब से देखिए यहां पर देखिए क्या है, 0 से 150 तक में कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, 0 से 150 तक, तो इसलिए हमने यहां पर क्या बनाया, जिगजैग कर्व बनाया हुआ है। इसके बाद 150 से लेकर 200 तक में, 150 से लेकर 200 कितना है हमारे पास, 10 है, तो उसका हमने एक ग्राफ बना लिया, एक रेक्टेंगल बनाया जिसका बेस जो है क्लास इंटरवल होता है और इसकी हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद 200 से 250 में हमारे पास कितना है, 5 है, तो हमने यहां पर 5 को रिप्रेजेंट कर दिया, जो 4 और 6 के बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में होगा 5। यहां पर उसी हिसाब से हमने क्या किया है, यहां पर हम नॉर्मली मेंशन भी कर देते हैं कि 10 है, ये 5 है, ये वाला 7 है, और इसके बाद में ये 4 है और ये 3 है। ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हमने यहां पर नोट कर लिए, जो इसके हिसाब से 5 बता सकते हैं। 250 से 300 में 7 है, 300 से 350 में 4 है, 350 से 400 में 3 है। तो ये स्टेप्स हम इसका क्या ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेम एज इट इज देखिए अब क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 23 चैप्टर की जितनी एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सेम हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें बता दे रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। इसमें 0 से डेटा स्टार्ट हुआ है, 0 टू 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इनकी फ्रीक्वेंसी 12 20 26 18 10 6 है। सेम देखिए यहां पर क्या होगा, इस वाले में क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसमें क्या है 10 से 60 में 0 से 10 तक का कोई भी डेटा नहीं है, इसीलिए यहां पर भी जिगजैग बनेगा, लेकिन इसमें नॉर्मल हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें जिगजैग नहीं बनेगा। तो सेम इसी टाइप से यहां पर इसी क्वेश्चन सेम इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन हम जो है टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। वैसे मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रिविजन सीरीज, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वहां पर हर एक चैप्टर में बिफोर 10 ईयर्स के क्वेश्चन जितने आए हुए उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्यूशन होगा, ठीक है।